हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे औरंगज़ेब के बारे में। दोस्तों, मोहिद्दीन और मोहम्मद औरंगज़ेब का जन्म 4 नवंबर 1618 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। दोस्तों, औरंगज़ेब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो औरंगज़ेब पवित्र जीवन व्यतीत करता था। अपने व्यक्तित्व जीवन में वह एक आदर्श व्यक्ति था। वह उन सब दुर्गुणों से सर्वोत्मुक्त था जो एशिया के राजाओं में समानता थी या यति के जैसा जीवन जीता था। खाने पीने, वेशभूषा और जीवन की अन्य सभी सुविधाओं में बेहद संयम बरतता था। प्रशासन के कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धार्मिक पुस्तक कुरान की नकल करके और टोपियों सीकर कुछ पैसा कमाने का समय निकाल लेता था। साम्राज्य विस्तार की बात करें तो अपने साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत औरंगज़ेब ने सर्वप्रथम असम को अपने अधिकार में करना चाहा। उसने मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और उसे असम को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी। 1 नवंबर 1661 ईस्वी को मीर जुमला ने कूच बिहार की राजधानी को अपने अधिकार में कर लिया। असम पर उस समय अहोम जाति के लोग शासन कर रहे थे। मीर जुमला ने अहोमा को परास्त कर 1662 ईस्वी में गढ़गांव पर कब्जा कर लिया। कालांतर के में असम के आंतरिक संघर्ष का फ़ायदा उठाकर मुगलों ने 1610 ईस्वी में कामरूप के अतिरिक्त शेष असम पर पुनः अधिकार कर लिया। औरंगज़ेब की दक्षिण नीति की बात करें तो औरंगज़ेब की दक्षिण नीति के विषय में इतिहासकारों का मानना है कि अपने साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण दक्षिण के राज्यों को औरंगज़ेब जीतना चाहता था। शाहजहाँ की भांति दक्कन के प्रति औरंगज़ेब की नीति भी असतः राजनीतिक हित और असतः धार्मिक विचारों से प्रभावित थी। दक्षिण में मराठा शक्ति का शिवाजी के नेतृत्व में वहाँ के शिया संप्रदाय के सुल्तानों के सहयोग से दिन प्रतिदिन उत्थान हो रहा था। इस कारण भी औरंगज़ेब ने दक्षिण राज्यों को कुचलना चाहा। इस मत का समर्थन आधुनिक इतिहासकार करते हैं। अगर हम बात करें तो बीजापुर, जो कि 1657 से 1687 ईस्वी के बीच में सिंहासन पर बैठने के उपरांत औरंगज़ेब ने बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वितीय को 1657 ईस्वी की संधि का पालन न करने के कारण दंड देने के लिए जयपुर के राजा जयसिंह को 1665 ईस्वी में दक्षिण भेजा। जयसिंह ने बीजापुर के सूर शिवाजी के खिलाफ महत्वपूर्ण लड़ाई में सफलता प्राप्त कर 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की। पुरंदर के बाद जयसिंह ने शिवाजी के सहयोग से बीजापुर पर नवंबर 1665 ईस्वी में आक्रमण किया। प्रारंभिक सफलता से उत्साहित होकर जयसिंह ने कई गलत निर्णय लिए जिस कारण वह बीजापुर पर अधिकार करने में असफल रहा। औरंगज़ेब से नाराज होकर जयसिंह को 1666 ईस्वी में वापस आने का आदेश दिया गया। रास्ते में बहरनपुर के समीप 11 जुलाई 1666 ईस्वी को जयसिंह की मृत्यु हो गई। गोलकुंडा 1656 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान एवं मुगल सम्राट के बीच संधि की अवहेलना करने मुगलों के साथ संघर्ष में बीजापुर एवं मराठाओं का सहयोग करने तथा हीरे जवाहरात सोना चांदी की खानों की भरमार के कारण ही औरंगज़ेब ने गोलकुंडा पर अधिकार करने का निर्णय किया। गोलकुंडा पर औरंगज़ेब के सैनिक अभियान के समय वहाँ के आयोग एवं विलास प्रिय शासक अबुल हसन था। शासन की पूरी जिम्मेदारी बदना और अकत तना नामक ब्राह्मणों के हाथ में थी। औरंगज़ेब ने जुलाई 1685 ईस्वी में मुहज़्ज़म को खाने जहाँ के साथ गोलकुंडा पर अधिकार करने के लिए भेजा। सुल्तान अबुल हसन ने डर कर मुगलों की सभी शर्तें मानकर संधि कर ली, परंतु कालांतर में सुल्तान की संधि की अवहेलना करना प्रारंभ कर दिया, जिस कारण से सम्राट औरंगज़ेब ने 7 फरवरी 1687 ईस्वी को आक्रमण की बाढ़गोड़ संभालते हुए लगभग 8 महीने के अथक प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिली तो औरंगज़ेब ने अब्दुल गानी नामक एक अफगान सरदार को लालच देकर फाटक खुलवा लिया और 1697 ईस्वी पर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। सुल्तान को 50,000 रुपये की वार्षिक पेंशन देकर दौलताबाद के किले में कैद कर लिया गया। साथ ही गोलकुंडा का पूर्ण विलय मुगल साम्राज्य में हो गया। इस प्रकार कहा जाता है कि जिस प्रकार अकबर ने असीरगढ़ का किला सोने की कुंजियों से खोला, उसी प्रकार औरंगज़ेब ने गोलकुंडा का किला सोने की कुंजियों से खोला। मराठों में से संघर्ष औरंगज़ेब के विरुद्ध हुए विद्रोह, जिसमें जाट विद्रोह, सिख विद्रोह, सतनामी विद्रोह और राजपूत विद्रोह शामिल है। मेवाड़ तथा मारवाड़ के प्रतिनिधि
शहजादे के विद्रोह, मेवाड़ की संधि 1681 ईस्वी में जो कि राणा जयसिंह की मृत्यु के बाद राणा जयसिंह मेवाड़ का शासक हुआ, और 24 जून 1681 ईस्वी को राणा जयसिंह और औरंगजेब के मध्य एक संधि हुई। संधि की शर्तों के अनुसार औरंगजेब ने पूरा मेवाड़ जयसिंह को वापस कर दिया। जयसिंह ने राजपूतों पर जजिया कर हटाने के बदले में औरंगजेब को मादलपुर एवं बेदुनर को क्षेत्र दिया। जयसिंह को मुगल दरबार में 5000 का मंसबदार बनाया गया। सारे मुगल सैनिक मेवाड़ के पास आ गए। कालांतर में औरंगजेब ने दक्षिण अभियान में जयसिंह के सहयोग देने के कारण उसे बेदुनर और मादलपुर के क्षेत्र वापस दे दिए गए। औरंगजेब के बारे में अगर हम आज बात करते हैं तो औरंगजेब के अंतिम समय में दक्षिण में मराठों का जोर बहुत बढ़ गया था। उन्हें दबाने में शाही सेना की सफलता नहीं मिल रही थी, इसलिए 1683 ईस्वी में औरंगजेब स्वयं सेना लेकर दक्षिण गया। वह राजधानी से दूर रहता हुआ अपने शासनकाल में लगभग अंतिम 25 वर्ष तक उसी अभियान में रहा। 50 वर्ष तक शासन करने के बाद उसकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च 1707 ईस्वी में हो गई। दौलताबाद में स्थित फ़कीर बहरुद्दीन की कब्र के अहाते उसे दफनाया गया है। उसकी नीति ने इतने विरोधी पैदा कर दिए थे कि जिस कारण मुगल साम्राज्य का अंत ही हो गया। वर्तमान काल के विद्वानों ने औरंगजेब की नीति की आलोचना करते हुए उसके दुष्परिणामों का उल्लेख भी किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।